स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का दिगंत भाग 2 का लेसन नंबर 7। बहुत शानदार है, इसको ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जिसका नाम सुनते ही अंदर बहादुरी आ जाती है। शमशेर बहादुर सिंह ने इस लेसन को लिखा है। सबसे पहले उनके जीवन परिचय तो ट्रिक से याद करा देंगे, लेकिन लेसन का नाम कैसे याद रखिएगा, हम जैसे जैसे बोलेंगे आपको करना है। देखिए, जो बातें हम बोलेंगे कमेंट करने के लिए उसको कीजिएगा, पता है क्यों? आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। दो बार आपको बोलना है और एक बार कमेंट करना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको रटना नहीं पड़ेगा बाबू, एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए, हमने तो कई बार किया है ऐसा, ठीक है। देख, शमशेर बहादुर सिंह, आप बताइए कोई भी शेर, और शेर को आ जाएगा जब गुस्सा तो कुछ ना कुछ करेगा ना, तो याद रखिएगा, शेर को आ गया गुस्सा और उसने लिख दिया उस्सा। बता, आपसे पूछा जाएगा शमशेर बहादुर सिंह ने क्या लिखा है, तो उस्सा लिखा है। उनके काव्य, उनके पाठ का नाम क्या है? उस्सा है। क्या बोलिएगा? दो बार मन में बोलिए। अगर घर के लोग कोई बोल ना कि क्या पागल की तरह बड़बड़ा रहे, कोई बात नहीं, जब रिजल्ट आएगा ना तो उनको बता देना कि इसीलिए हम बड़बड़ा रहे थे। शेर को आ गया गुस्सा और उसने लिख दिया उस्सा, याद हुआ? ये याद रखिएगा, सब ट्रिक से याद हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह ने अपना तो किताब लिख दिया गुस्सा में, उस्सा लिख दिया। इनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था बाबू? 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और ये कहाँ हुआ था? तो उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी होता है देहरादून, यानी देहरादून में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। अब हमको एक बात बताइए, इनका जन्म हुआ था देहरादून में, और ये जब ये 18 साल के हुए, क्या हुए? जब ये 18 साल के हुए तो बोले कि अब हम अपना शादी करेंगे। समझिए क्यों, पहले ये शादी नहीं कर रहे थे। पहले के लोग क्या कहते, 12-13-14 वर्ष में शादी हो जाता, ये रोक दिए कि नहीं, ये कानून अपराध है, हम तो शादी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत बहादुर भी थे, बहुत गुस्सा आता था, इसीलिए इन्होंने क्या लिख दिया है? उस्सा लिख दिया। बोले कि 18 साल के हो जाएंगे ना तो कानून के हिसाब से हम शादी कर लेंगे, अभी तो बढ़ गया है, ठीक है, 21 हो गया, 25 हो गया है। यहाँ देखिए, तो जब 18 साल के हुए तो गिन लीजिएगा, 1911 में जन्म हुआ था, 18 साल के हुए तो यानी जोड़ लीजिएगा 1929 हो जाएगा। 18 साल के बाद इन्होंने अपनी शादी कर ली धर्म देवी के साथ। इनकी पत्नी का क्या नाम था? धर्म देवी। समझ में आया? 18 साल के उम्र में इन्होंने शादी किया। लेकिन बड़ी दुख की एक बात है कि ठीक है, अपने पत्नी के साथ मात्र 3 साल ही समय बिताए, तब तक पत्नी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। तो 4 साल यहाँ पे हो जाएगा, 4 साल के बाद पत्नी की क्या हो गई? मृत्यु। यानी 1933 में पत्नी की मृत्यु, यानी धर्म देवी की मृत्यु हो गई। अब आप सोचिए थोड़ा देर के लिए, अब थोड़ा सा इनके मम्मी और पापा के बारे में बता दिए। जिसका लड़का बहादुर होगा भाई, तारीफ का बात है कि नहीं, आप ही बताइए, ठीक है। तो बहादुर यानी कि शमशेर बहादुर के पिता का नाम तारीफ सिंह है। क्या नाम है इनके? तारीफ सिंह। ये आपको याद हो गया। जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो मान लीजिए कि माता इनकी बहुत पहले ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, जब ये 8-9 साल के थे ना, कौन? बहादुर साहब बहुत बहादुर थे, लेकिन अब माता की मृत्यु हो गई, फिर भी पढ़ाई की। और मैट्रिक करने के बाद से घर में पारिवारिक परेशानी होता ही है, उसके बाद से जैसे ही मैट्रिक किया 1928 में इन्होंने हाई स्कूल किया, 1 साल के बाद ही शादी हो गया था, क्योंकि मैट्रिक कर रहे थे तो 17 साल के थे, और 18 साल के जब हुए तो 1 साल के बाद उनकी शादी हो गई। फिर उन्होंने 1931 में क्या किया, इंटर किए शादी के बाद, और 1933 में बी ए, और 1938 में ये क्या किए हैं? एमए किए हैं। वैसे ये जो भी बीए तक पढ़े हैं वो इलाहाबाद में पढ़े हैं। आप कमेंट में बताइए इलाहाबाद कहाँ है, ठीक है। अब देखिए, इनकी कुछ कृतियाँ थी जब इनकी बीवी बीमार थी, समझिएगा बाबू, बहुत आसान तरीके समझिएगा। जब बीवी बीमार थी तो ये घर पे बैठे हुए थे, सोचे कि अब क्या करें, अब तो मेरी बीवी बीमार है, तो ऐसे ही सोच रहे थे तो उस समय से ये लिखना शुरू किए। तो मान लो 1933 में पत्नी की मृत्यु हुई थी, तो बीमार तो 32 से ही होंगी, तो 32 से 33 के बीच में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। और इन्होंने बहुत कुछ लिखा, जैसे चुका भी नहीं हूँ मैं, अभी चुका नहीं हूँ, 1975 में लिखे हैं, इतने पास अपने और उदित, ये दो ठो जो लिखे हैं कृतियाँ, ये 1980 में लिखे हैं, याद रखिए 85 के बाद 80 बढ़ाते जाइएगा, बात बोलेगी ज़्यादा बात बोलेगी 1981 में, आपको नहीं इनको बोल रहा है, यहाँ समझिएगा। काम तुझसे होड़ है मेरी, काम से ये होड़ लगा रहा है कि काम तुमको हम हरा देंगे, ठीक है, तुम कितना भी ज़्यादा काम रहो हम तुमको कर देंगे, 1982 में। और सुकून की तलाश, जब इनकी माता की मृत्यु हो गई, वाइफ की मृत्यु हो गई, तो सुकून की तलाश ये लिखे, एक गज़ल है, टूटी हुई बिखरी हुई, इनकी ज़िंदगी टूटी बिखरी थी ही वैसे भी, और सोचे कि अब तो कुछ रहा नहीं तो चलते हैं थोड़ा सा घूमने। और इन्होंने बहादुर तो थे ही, डरते तो किसी से नहीं थे, ठीक है। और जब इन्होंने चल दिए कहाँ पे, रूस में घूमने के लिए, सोवियत रूस में 1978 में ये यात्रा किए, ठीक है। और यहाँ देखिएगा, 1981 से 85 तक ये प्रेमचंद या सृजन पीठ, और यहाँ पे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखनी रखिए ना रखिए, उससे कोई
इससे कोई फायदा है नहीं। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए जो शमशेर बहादुर सिंह थे, ठीक है, ये प्रयोगशील कवि थे। प्रयोगशील मतलब प्रयोग पर, यानी प्रैक्टिकल पर भरोसा करते थे, आंखों देखे जो भी देखते थे उस पर भरोसा ज़्यादा करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रयोगशील व्यक्ति थे। और ये दूसरे सप्तक, यानी दूसरे सप्तक ये क्या थे, उदित थे। अब फिर ये दूसरा सप्तक होता क्या है, देखिए दूसरा सप्तक का मतलब अब होता है, ध्यान से समझिएगा, जैसे सप्तक का मतलब होता है सात कवियों के समूह को सप्तक कहते हैं, ठीक है। तो दो बार सात कवियों का समूह, एक गुट हुआ था और दो गुट हुआ था, ठीक है। इसमें भी सात कवि थे, गिन लीजिएगा सात हो जाएगा, इसमें भी एक दो तीन चार पाँच छः सात कवि थे। तो सात कवि पहला, तो ये दूसरा बार जो मीटिंग हुआ था ना उसमें जो सात कवि थे उस ग्रुप में कौन थे, शमशेर बहादुर सिंह थे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि दूसरा मीटिंग हुआ कब था, तो 1951 में। अब पहला मीटिंग हुआ था 1943 में, ये आपको याद रखना है। 19 इसके हेड कौन थे, तो यहीं लिखे हैं अज्ञेय। कौन थे, दोनों के हेड थे कौन, अज्ञेय थे। याद रख, संस्थापक कौन थे, अज्ञेय थे, अज्ञेय, ठीक है, ये आप याद रखिए। आपको ये जरूर समझ में आया होगा, दूसरा सप्तक में ये उदित हुए थे। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, इनकी मृत्यु 1993 में हो गई थी, यानी 1911 में इनका जन्म हुआ था और काफ़ी अच्छा साल जीवित रहे हैं बाबू, और 1993 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए ये समकालीन, अज्ञेय और नागार्जुन के ये समकालीन कवि थे। समकालीन का मतलब क्या होता है, एक ही समय में बहुत सारे कवि थे ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सब कवि एक ही समय में अपना लेख लिखते थे, ऐसे ही व्यक्तियों को क्या बोला जाता है, समकालीन बोला जाता है। और इस पूरे लेसन में, इस पूरे उत्साह में, उत्साह एक पाठ का नाम है, उत्साह का मतलब होता है भोर, भोर समझते हो ना, भोर का मतलब सूर्योदय नहीं होता है, सूर्योदय के पहले जो थोड़ा थोड़ा अंधेरा, थोड़ा थोड़ा दिन रहता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग उत्साह। उत्साह के बारे में इसमें लिखे हैं कि सूर्योदय के पहले का दृश्य और सूर्योदय के बाद तक एक एक पल, जो भी मान लीजिए अभी भोर हो रहा है, अब भोर से धीरे धीरे साफ साफ होते होते सूर्योदय होता है ना, तो भोर से लेकर जब तक सूर्योदय होता है उसका दृश्य के बारे में इसमें जिक्र किया गया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। वैसे आप लोग भोर देखे हैं, भोर का मतलब होता है सूर्योदय के पहले, पता नहीं सूर्योदय के बाद उठते हैं या सूर्योदय के पहले उठते हैं, उसी को भोर कहते हैं। आजकल तो कोई भोर देखता ही नहीं है, भोर क्या होता है पहले और कन्फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो भोर का मतलब सूर्योदय के पहले। अब सूर्योदय के पहले उठ के देखिए कितना अच्छा मौसम होता है, ठीक है। तो बिना देर कि हम लोग इनका लिखा हुआ, गुस्सा में लिखा हुआ उत्साह के बारे में जानते हैं। अब इस कहानी को हम लोग बड़ी ही गौर से देखेंगे, बड़ी मजेदार, देखिए कविता है लेकिन बड़ा अच्छा लगेगा। ये सुबह में जो भोर होता है ना उसके बारे में चर्चा किया गया है। यहाँ पे आपको हम पूरा का पूरा ये कविता लिख दिए हैं और यहाँ पे जो कविता का अर्थ है वो लिख दिए हैं। आप इसको अच्छा तरीका से स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीका से स्क्रीन शॉट, ताकि आपको यहाँ लिखने में, क्योंकि आपके एग्जाम में बाबू, एक 12th के एग्जाम या 10th के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम होता है, तो देखिए जब भी लिखेगा अर्थ लिखने के लिए तो थोड़ा सा सजा के लिखा जाता है। ये नहीं कि डायरेक्ट ये कविता हो गया और डायरेक्ट इसका अर्थ लिख, वो ऐसा नहीं किया जाता है। पहले आप बताइए कि आपकी किताब का क्या नाम है, लिखने का तरीका बता रहे हैं, आपकी किताब का क्या नाम है, दिगंत भाग 2। तो सबसे पहले आइए एक कविता है तो लिखिएगा कि यह कविता कहां से निकाला गया है, आपके दिगंत भाग 2 से ही ना, तो लिखिएगा प्रस्तुत कविता, ये जो भी प्रस्तुत कविता है दिगंत भाग 2 से लिया गया है। कहां से लिया गया है, दिगंत भाग 2 के उषा पाठ है, क्या है, उषा से लिया गया है, जिनके लेखक कौन है, शमशेर बहादुर सिंह है, और उनके द्वारा इस पाठ में, ठीक है, सूर्योदय के बारे में लिखा गया, सूर्योदय के पहले के समय के बारे में जिक्र किया गया। किसी भी कविता का अर्थ लिखने से पहले वो कहाँ से लिया गया, किस किताब, कुछ नहीं आपको करना है, किताब का नाम लिख देना है, किताब का कौन सा पाठ है उसका नाम लिख देना है, और उनके लेखक का नाम लिख देना है। तीन को काम करना है, किताब का नाम लिखना है, किताब का नाम, उसके बाद से यहाँ पे पाठ का नाम, और उसके बाद से लेखक का नाम, क्या करना है, लेखक, ये तीन गो चीज़ें लिख करके तभी किसी चीज़ का अर्थ लिखा जाता है। यानी कि जैसे यह दिगंत भाग 2 का है, तो ये जो भी कविता है प्रस्तुत, जो किताब कौन सा है, दिगंत भाग 2 से लिया गया है, जो पाठ का क्या नाम है, उषा है, और ये लेखक कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे है शमशेर बहादुर सिंह, जैसे यहाँ देखिए। तो इसी के बारे में वैसे हम बता दे रहे हैं पहले इसका अर्थ, उसके बाद से आपको हम समझा देते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं ना, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑब्जेक्टिव 100% सही मानेंगे, बस मेरे बातों को रिपीट करते चलिएगा। यहाँ देखिए, उषा जिसको शमशेर सिंह ने, उषा का मतलब होता है भोर का समय, भोर मतलब क्या, सूर्योदय के पहले जो भोर हुआ रहता है, हल्का सा उजाला, हल्का सा अंधेरा रहता है, उस समय की बातें बताया जा रहा है। देखिए उस समय पता है कैसा दिखता है, देखिएगा यहाँ पे, प्रातः नभ था,
और यहाँ बहुत नीला शंख, यानी कि सुबह के भोर के समय में आकाश पता है, यानी भोर का नभ, यानी कि भोर का जो आकाश है वो किस तरह से दिखता है, नील शंख की तरह दिखता है, जो उजला शंख होता है ना उसके आकार का दिखता है, ठीक है। राख से लिपा हुआ, अब देखो अगला बोल रहा है, राख से लिपा हुआ चौका, राख से लिपा हुआ चौका, चूल्हा चौका समझते हैं आप, देखिएगा सुबह में हमारी घर की औरतें, चाहे मम्मी हो चाहे दीदी है, कोई भी क्या करती है, यहाँ जो चूल्हा चौका होता है सुबह सुबह खूब अच्छा तरीका से राख से उसको लिप दिया जाता था, एकदम पवित्र लगता था कि नहीं, चूल्हा के सामने एकदम पवित्र दिखता था। वैसे ही यहाँ पे आकाश भी भोर के समय कुछ एकदम वैसे ही दिखता है जैसे कि यहाँ पे क्या राख से लिपा हुआ चौका दिखता है, वैसे ही हमारा भोर के समय में आकाश हल्का सा काला दिखता है, दिखता है कि नहीं, यानी कि अभी अभी गीला है, और देखना जब लीप दिया जाता है तो हल्का हल्का गीला रहता है, उसी तरह किस तरह जिस तरह सुबह के समय में क्या होता है एकदम लीपा जैसे लग रहा है कोई लीप दिया है, लीपने का मतलब क्या है उसको ऐसे लीप दिया गया है, वैसे सुबह में दिखता है, और थोड़ा थोड़ा जो ओस की बूंदे आती है ना तो आपको क्या लगता है कि हल्का हल्का भी गीला है, और जो हमारे घर पर होता है लिपाई उसमें भी गीला दिखता है। तो यानी इस यहाँ पे देखिए इस चूल्हा चौका का कंपेयर आसमान से किया गया कि जिस तरह सुबह में हमारे यहाँ घर में होता है वैसे ही सुबह में आकाश भी दिखता है, ये गीला दिखता है नीचे लिपने की वजह से और ऊपर भी उस की वजह से गीला दिखता है, उसी का अर्थ यहाँ लिखा गया है। अब ध्यान से समझिए, सूर्योदय के पूर्व यानी सूर्योदय के पहले का आसमान नीले शंख के समान होता है, उसी तरह दिखता है भोर का आसमान राख से लिपे हुए, भोर का आसमान कैसा दिखता है उसी तरह दिखता है जिस तरह राख से लिपे हुए चौके की तरह होता है, जो अभी क्या है गीला है यानी पवित्र है, इसका अर्थ क्या हुआ कि पवित्रता इसमें झलक रही है। अब देखिए, अब आप थोड़ा सा सिलवट देखे हैं, सिलवट लोढ़ा नहीं देखे हैं जो मसाला पीसने का काम आता है वही सिलवट लोढ़ा, तो आप देखिएगा मान लीजिए कि पूरा का पूरा काला सिलवट लोढ़ा है, अगर उसको किसी लाल चीज से पूरा का पूरा हम धो दे तो थोड़ा देर के लिए क्या हो जाएगा, सिलवट जो काला है उस पर पूरा का पूरा लाल जैसा झलकने लगेगा ना, वो उसी तरह से आकाश में भी देखना जब हल्का सा एक छोटा सा सूर्य का किरण दिखाई देता है तो पूरा का पूरा ललिमा छा जाता है ना, पूरा का पूरा लाल लाल हो जाता है, इसमें भी हल्का सा एक छोटा सा केसर रखे अगर पूरा धो दिया जाता है तो पूरा काला सिलवट लाली मतलब लाली नुमा दिखने लगता है। वैसे ही यहाँ भी कहा जा रहा है कि बहुत काली सील जरा सा, यहाँ पे समझिएगा यानी जो काला सील, सील का मतलब होता है सिलवट जिस पर मसाला पीसा जाता है, सील जरा सी लाल केसर से जैसे धुल गई हो, लाल केसर से जैसे कि सिलवट को धो दिया जाए तो हल्का हल्का लाल की तरह दिखने लगता है, वैसे ही हमारा आकाश भी सूर्योदय जब हल्का सा सूरज निकलता है तो पूरा का पूरा देखना लाली नुमा छा जाता है। यहाँ देखिएगा प्रातः काल यानी सुबह की बात हो रही है जब सूर्योदय हो रहा होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा लेसन में भोर से लेकर जब तक सूर्योदय होता है उस समय के एक एक पल के बारे में बताया गया है, ठीक है। प्रातः काल ऐसा प्रतीत होता है जैसे लाल रंग का केसर काले सील पर लगा दिया गया है या फिर काले सील को धूल दिया गया हो लाल रंग के केसर से, ठीक है। यहाँ देखिएगा जैसे कि स्लेट या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, या फिर आप स्लेट देखें स्लेट पर लाल रंग के चौक से बच्चा पूरा नहीं रगड़ देता है तो पूरा का पूरा हल्का हल्का काला लाल रंग झलकने लगता है स्लेट पर, वैसे ही जैसे कि काले स्लेट पर लाल चौक कोई घिस देता है तो पूरा काला स्लेट पर हल्का हल्का लाल झलकने लगता है, वैसे ही हमारा बादल जो होता है ब्लू उसमें जब सूर्य की प्रकाश हल्का सा निकलता है तो हल्का हल्का लाली नुमा छा जाता है। ये भोर के बारे में जिक्र किया गया है। अब आते हैं हम लोग एट लास्ट पैराग्राफ, बहुत ही शानदार है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, जिस तरह नीला जल में यानी कि पानी में, अगर समुद्र की बात करें पानी की बात करें, जिस तरह नीला जल में किसी सुंदरी का दे झिलमिलाता है चमकता है, ठीक उसी प्रकार देखना नीला जल नहीं नीले आसमान में जब सूर्य निकलता है तो उसी तरह सिर्फ सूर्य ही चमकता है बाकी सब चीज़ फीका पड़ जाता है, किस तरह जिस तरह की एक नीला जल में एक सुंदरी का देह चमकता है, यहाँ इसका अर्थ लिखा गया। यहाँ देखिए नीले आसमान में भोर के समय का जिक्र किया गया है और यहाँ भोर के गहरे नीले रंग छा जाता है, भोर में एकदम गहरा नीला रंग छा जाता है सुबह में, लेकिन उस समय सूरज जब निकलता है सूर्य का सफ़ेद किरणें दिखने लगती है और हल्का हल्का जब सूर्य की सफ़ेद किरणें सुबह में दिखने लगती है किस तरह दिखती है किस सौंदर्य को दिखाती है, जैसे कि एक सुंदर लड़की का गोरा शरीर चमक रहा होता है सूर्य के प्रकट होने के पश्चात यह दृश्य कहीं गुम हो जाता है,
और उसी तरह जिस तरह की एक गोरी लड़की का शरीर चमक रहा होता है, उसी तरह गोरी लड़की का तुलना भगवान सूर्य से किया गया, या सूर्य से किया गया, ठीक है। और पानी की तुलना किससे किया गया है? पूरा का पूरा आसमान से किया गया। और जैसे ही सूर्य निकलता है तो लगता है कि जादू हो गया, पूरा का पूरा भोर वाला बादल जिस तरह दिखता है, पूरा अंधेरा हट जाता है और एकाएक पूरा का पूरा प्रकाश हो जाता है, यानी कि वो जादू टूटता है और इस उषा, उषा मतलब भोर का अब सूर्योदय हो जाता है, यानी कि उषा का अब क्या हो जाता है? सूर्योदय हो जाता है, अब भोर नहीं रहा। तो वही बात है, और उषा का जादू टूट जाता है, यानी भोर का जादू क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको लेसन समझ में आया होगा। और कोई भी, आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कोई किसी का अर्थ लिखने को बाबू आ जाए तो सबसे पहले उस कविता को सोचिए कि किताब का नाम क्या है। तो आपकी किताब का नाम दिगंध भाग 2 है, तो ये याद रखिएगा। 3 को चीज़ याद रखना है, किताब का नाम, पाठ का नाम जिसमें से ये कविता लिया गया, और लेखक का नाम। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में यही आ जाए, चाहे इतना दे दे, प्रातः नव था और बहुत नीला शंख, ऐसे करके ये दे दे, पूछे कि ये किस पाठ से लिया गया, इसका अर्थ स्पष्ट करें, तो आप कहिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति, ये जो भी पंक्ति दिया गया है वो हिंदी के पाठ्य पुस्तक है ना, आपका किताब क्या है? हिंदी के पाठ्य पुस्तक दिगंध भाग 2 में संकलित उषा है। ये दिगंध भाग 2 में एक उषा पाठ है, उससे लिया गया है, जिनके लेखक शमशेर बहादुर सिंह है, और जिनके द्वारा ये क्या लिखा गया, इस कविता में सूर्योदय से पूर्व के दृश्य का चित्रण किया गया है, तब इसका ये अर्थ लिखना है। तो आपको ऐसे लिखना है, और इसका ऑब्जेक्टिव भी आपसे बनेगा, लेकिन उससे पहले आपको जो हम ट्रिक बताए थे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। हम आपको बताए थे कि शमशेर माने शेर को आया गुस्सा और उसने लिख दिया डैश, अब आपको कमेंट में बताना है कि क्या लिख दिया। कमेंट करने से बाबू याद होता है। और बताइए कि शमशेर सिंह का जन्म, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो जन्म याद रखिएगा 1911 में हुआ था, और मर गए थे 1993 में। कितना मर गए थे? 1993 में, ये भी याद रखिएगा। जब शमशेर बहादुर सिंह 18 वर्ष के हुए तो उनकी शादी हो गई, तो 18 वर्ष जोड़िएगा तो आ जाएगा 1929, लेकिन एक साल पहले ही उन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, यानी कि विद्यालय अपना छोड़े थे, यानी 1928 में वो क्या किए थे, 1928 में मैट्रिक किए और 1929 में उन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। देखिए अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कहाँ डाउट हो रहा है, इसका क्वेश्चन आंसर और इसका ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में पूरा का पूरा आपको कंप्लीट मिलेगा, और आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये तो मेरी गारंटी है। आप देखते ही टिक मारोगे, देखते ही टिक मारोगे, ये मेरी गारंटी है। इसका मतलब आपके दिमाग से इसका डाउट आउट करके ही रहेंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।